हेलो फ्रेंड्स, वेलकम 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 टू अलीशा लाइफस्टाइल व्लॉग में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को लेकर के चल रही हूँ सतरंजी बाजार। तो चलिए चलते हैं गाइस। एंड रांची से तकरीबन आपको 10 किलोमीटर की दूरी पे पड़ेगा ये सतरंजी बाजार। ये हटिया वाला रूट है गाइस, और अगर आप खूटी की तरफ से आ रहे हैं तो वहाँ से आपको 20 किलोमीटर की दूरी पे पड़ेगा। हटिया वाले रास्ते में आप जैसे भी तुपतुपुदाना चौक को आप पार करिएगा तो ये आपको रिंग रोड का हाईवे नजर आएगा। इस हाईवे के बाद में 500 मीटर की दूरी पे आपको नजर आ जाएगा सतरंजी बाजार। आप यहाँ पहुँचने के लिए आप ऑटो, कार, बाइक किसी से भी आ सकते हैं गाइस। चलिए और चलते हैं और इस बाजार को एक्सप्लोर करते हैं कि इस बाजार में क्या खास है। हम लोग आ पहुंचे हैं सतरंजी बाजार और देख सकते हैं काफी भीड़ है, गाड़ियां काफी लगी हुई हैं। मेरी दाईं ओर और बाईं ओर दोनों तरफ गाड़ियां। बारिश के कारण गाइस थोड़ा सा बाजार मैसी हो गया था, बट कोई बात नहीं, और अभी तो बारिश नहीं आ रही थी। और चलिए हम लोग चलते हैं और इस बाजार को एक्सप्लोर करते हैं कि इस बाजार में हमें क्या नया मिलेगा गाइस। आगे बढ़ते हुए हम लोगों ने देखा, अपने राइट साइड में देखा कि यहाँ पे मूढ़ी, बादाम, चना का दुकान था गाइस, और ये लोग पैकेट में बांध कर पीते हैं। 10 रुपए में भी आपको यहाँ पे मूढ़ी मिल जाएगी, 5 रुपए में चना भी मिल जाएगा आपको गाइस। और स्पेशल बात मैं यहाँ की बताती हूँ आपको कि यहाँ पे मसाला वाला चना था जो बहुत चटपटा रहता है खाने में, और मुझे तो काफ़ी अच्छा लगता है गाइस। और इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं और ये देखिए, यह सखुआ का पत्ता है और एक तरफ पत्तल मिल रहा है, दतवन मिल रहा है गाइस। शादी पार्टी आप किसी भी चीज के लिए यहाँ आ सकते हैं और दतवन पत्तल आप ले सकते हैं। कनज का दतवन काफी मात्रे में मिल रहा था गाइस। जिनको भी दांत में कीड़ा है मैं उनको रिकमेंड करूंगी कि वो करंज के दतवन से ही ब्रश करें। यहाँ की दुकानें काफ़ी मात्रा में हैं एंड जितनी भी दुकानें हैं वो अस्थाई रूप से बनी हुई हैं गाइस। और यहाँ की जो भी सब्जियाँ हैं, मैक्सिमम सब्जियाँ है विदाउट हाइब्रिड वाली है। अमरूद देख सकते हैं कितना ताज़ा है गाइस, ये बिल्कुल देसी अमरूद है, इसमें कोई भी हाइब्रिड वगैरह नहीं है और खाने में काफ़ी मीठा है। और ये देखिए फ्रेंड्स, मुझे नज़र आया है ये है लाइट ग्रीन कलर का है, ग्रीन चिलीज है गाइस। ये आंटी थोड़ा शर्मा रही थी क्योंकि ये पूछ रही थी कि क्या कर रही हो तुम, तो मैं बताएं इसको वीडियो बना रही हूँ, तो थोड़ा शाई फील कर रही थी, तो मैंने अपना कैमरा रिमूव कर दिया वहाँ से। और आगे हम लोग बढ़ चुके हैं, देख सकते हैं लोग काफ़ी तादाद में सब्जियाँ खरीद रहे हैं। और एक बात मैं बताना चाहती हूँ गाइस कि यहाँ का जो बाज़ार, खासकर सब्जी मंडी का जो रेट है वो और बाज़ार के मुकाबले काफ़ी कम है। और ये वाले जो भैया हैं ये 10 रुपए पौवे में आपको मिल रहा था, मीन्स 250 ग्राम आपको मिल रहा है हरी मिर्च का, और कुछ एक्स्ट्रा भी ये डाल दे रहे थे। और ये है सुनसुनिया साग, मेरी जो मदर इन लॉ है ये मुझे काफी खिला चुकी हैं सुनसुनिया साग, इसलिए मुझे पता है अच्छी तरह से। और देख सकते हैं अभी हम लोग ले रहे हैं ये है स्वीट कॉर्न, सीजनली है इसलिए हम लोग जो भी सीजन में आता है उसका लुत्फ हमें उठाना चाहिए। जैसे जिस प्रकार हम लोग रुगड़ा और खुखड़ी खाते हैं उसी प्रकार मकई का सीजन है, करबास करील का सीजन है गाइस, तो जब जब हमें मौका मिलता है इस सीजनल फूड को खाने का हमें खा लेना चाहिए। मैं आप लोगों को भी रिकमेंड करूंगी कि आप इस बाज़ार में ज़रूर आएं और यहाँ की सब्जियों का रेट आप जानें और अपने बार्गेनिंग के हिसाब से यहाँ पे सब्जियाँ खरीदें। और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ विभिन्न प्रकार के बीज मिल रहे थे और काफ़ी सारे किसान हैं जो इसे खरीद रहे हैं गाइस। चप्पलें भी मिल रही हैं और पीछे साइड में आप देख सकते हैं जलेबी पकौड़ा मिल रहा है, और इस बारिश में लोग पकौड़े का आनंद ले रहे हैं।
यहाँ आपको 100 रुपये जोड़े में आपको टॉवल मिल रहा है गाइस। ये टॉवल कॉटन का है और काफ़ी प्रिंट्स में अवेलेबल है। देख सकते हैं ये है शुद्ध देसी शहद है और मुझे शहद काफ़ी अच्छा लगता है, तो मैंने छोटा वाला बॉटल ले लिया है। अगर मुझे अच्छा लगेगा तो मैं जब भी दोबारा आऊँगी तो एक और बॉटल ले करके जाऊँगी। एक जो महिला थी तो मुर्गा पकड़ के खड़ी थी, मैंने इनसे पूछा आप क्यों पकड़ के खड़े हो, तो मुझे कुछ बताए नहीं, वो वहाँ से भाग गई। और यहाँ की विशेषता ये है गाइस सतरंजी बाज़ार की कि यहाँ का जो भी सब्जियाँ हैं वो काफ़ी फ्रेश दिख रही हैं। आपने जितनी भी सब्जियाँ मेरे वीडियो में देखी वो कोई भी मुरझाई भी नहीं थी, सारी ताज़ा थी। और यहाँ का जो रेट है वो और बाज़ार के मुकाबले काफ़ी सस्ता है गाइस। तो यहाँ पे आपको एक बहुत अच्छी डील मिल रही है। उनके घर में शादी पार्टी है, मैं उनसे आग्रह करूँगी कि इस बाज़ार में आएँ और सब्जियाँ खरीदें ताकि आपका जो शादी का जो बजट है वो थोड़ा कम आए। और चलिए हम लोग अलविदा कहते हैं इस बाज़ार को। बाज़ार के किनारे आपको फुचका, छाठ, पेड़ पौधे का दुकान, क्या साग बोलते हैं बताइए, कौन सा वो वाला कर्मी का है, कर्मी, हाँ कर्मी साग है। गाइज मुझे दिख गया था दूर से ही रेड कलर का भिंडी, तो मैं जल्द से उतर के इसका रिकॉर्डिंग करने के लिए आ गई थी। फ्रूट्स हम लोग खरीदना भूल गए थे फ्रेंड्स, तो अभी हम लोग चलते हैं फ्रूट्स की तरफ। अनार मुझे मिला है 90 रुपीज़ केजी मिला है, एंड एप्पल मुझे मिला है 80 रुपीज़ केजी गाइस। तो और जगह के मुकाबले टेस्ट भी अच्छा था, मीठा भी था। इवन वो अंकल हमें खाने के लिए भी दिए कि आप लोग पहले खा लो उसके बाद लेना गाइस। और ये देख सकते हैं, सो बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं कल एक इंटरेस्टिंग या नई वीडियो के साथ। होप करती हूँ कि आपको ये मेरा सतरंजी बाज़ार का ब्लॉग काफ़ी अच्छा लगा होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती है तो मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। सो बाय बाय एंड टेक केयर।